आज हम सीखेंगे यह सेक्शन। बोलो ना तो आप देख सकते हैं ये मेरी पूरी प्रोजेक्ट फाइल है सजनी सॉन्ग की, और उसका यह वाला सेक्शन मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं। इसके अंदर काफी खूबसूरत तरीके के साथ मैंने लाइव इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज किए हैं, जिसके अंदर तबला भी आता है, फ्लूट आती है, गिटार आती है और बैकग्राउंड वोकल्स भी आते हैं यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं यहाँ देखूँ तो मेरा एक फ्लूट का सेक्शन है जिसमें सिर्फ सा लिखा हुआ है, यानी सिर्फ सा लगाया गया है यहाँ पर, और मैंने अलग अलग अरेंज करके उसे ऑटोमेट इस तरह से किया है कि जो उसकी फिनिशिंग है वो एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हो जाए। नाइस। तो ये नीचे नीचे जिस तरह से ऑटोमेट हो रहा है ये इसीलिए किया है तो सो दैट जब वो फिनिशिंग होती जाए तो अगला नोट आए, फिर अगला नोट आए। ठीक है, मैं वापस इसको यहाँ पर खोलता हूँ और एक बार मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ क्या क्लैप लगी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ड्रम सेक्शन में जाता हूँ। ये मेरी किक है, मेरी हैट, क्रैश, एक और क्रैश जो रिवर्स किया गया है, सेम ही होगा, इसे उल्टा किया गया है। यहाँ पर मेरी क्लैप आती है। बेस क्या है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पर मैं गया स्नेयर, यहाँ पर मैंने एक सब की किक दी गई है, और ये नीचे इलेक्ट्रिक गिटार है। ठीक है, इसे हम अलग से सुनेंगे, और ये मेरी राइड है। अब यहाँ अगर हम देखें, जब मुझे कोई सैड या रोमांटिक टाइप का सॉन्ग बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके अंदर होती है वो होती है मेरी साउंड सिलेक्शन। जब हमने साउंड सिलेक्शन करनी है तो हमें याद रखना है कि किस तरह की मेरी किक हो, किस तरह की मेरी स्नेयर हो, कोई भी हार्ड, कोई भी, जैसे हमें EDM वाले फोल्डर मिल जाते हैं, हाउस वाले फोल्डर, डबस्टेप, फ्यूचर बेस, वो वाली किक्स या स्नेयर में ना यूज़ करूं। मुझे इस तरह की किक या इस तरह की स्नेयर यूज़ करनी है जो रियल ड्रम की फील देती हो, सो दैट बाद में मैं और ड्रम्स ऐड करूंगा, कोई रिदम सेक्शन ऐड करूंगा, कोई बाद में तबला ऐड करूंगा, तो उसके साथ वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता हो। जैसे हम इसकी स्नेयर की बात करें, तो आपको दिखेगा एक तो आसपास की हल्की सी नॉइज़ जो लाइव के दौरान स्नेयर को रिकॉर्ड करने के साथ ही आती है, दूसरा वो बहुत ही एक रियल सी फील दे रही है जैसे कि ब्रश वाले के साथ रिकॉर्ड की गई हो, सो दैट जब बाद में मैं इसके साथ तबला ऐड करूँगा, जैसे यहाँ पर तबला है जो कि लाइव रिकॉर्ड किया गया है, ये करनाल में रिकॉर्ड हुआ था, और अब सुनते हैं। राइस, अब यहाँ पर बहुत पूरे गाने के अंदर ही लगातार तबला है तो मैंने काट काट के अलग अलग सेक्शन रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने वो काट के रख दिया सो दैट आगे और पीछे का नॉइज ना आए, थोड़ी सी गेटिंग की होगी और फिर से वो सेम चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए किस तरह से जो स्नेयर है वो मेरे तबले के साथ ब्लेंड करता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ और हम स्नेयर्स में गए, चलिए मैं कोई यहाँ से, कोई भी इस तरह के स्नेयर ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे उठा के यहां रखता हूं सेम टाइमिंग पे, तो आप देखेंगे कि वो आपस में जाता नहीं है, वो सूट ही नहीं करता, वो वाइब के साथ ही मैच नहीं होता। आपको सुन के ही पता लग रहा है कि वो उस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता है। तो साउंड सिलेक्शन इस तरह के सॉन्ग्स में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। राइट, अब आपकी साउंड सिलेक्शन किस तरह से बेहतर हो, आपके पास एक गाना आया काम करने के लिए, या अपना आप खुद का गाना बना रहे हैं सैड टाइप कुछ या रोमांटिक फील का,
चाहे हैप्पी हो चाहे सैड हो, लेकिन रोमांटिक सी फील, बड़े सॉफ्ट सा आपने सॉन्ग बनाना है, तो आपको सबसे पहले साउंड सिलेक्शन कैसे करनी होगी, उस तरह के गाने सुन के। आप 24 घंटे, 48 घंटे, अगले 96 घंटे इस तरह के ही गाने सुने। बॉलीवुड के गाने हो गए, या और पंजाब साइड के गाने हो गए, या आसाम में बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है, वहाँ के सुनिए, क्योंकि वहाँ पे रियल इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो आप देखेंगे किस तरह की वो स्नेयर यूज़ करते हैं, किस तरह से अच्छा स्नेयर की जगह उन्होंने कोई प्रकर्शन यूज़ किया है जो लाइव इंस्ट्रूमेंट की वाइब देता है। तो सुन सुन के कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में आपके कान उस तरह से ट्यून होने शुरू हो जाएंगे, उस तरह से ट्रेन होने शुरू हो जाएंगे। चलिए यहां देखते हैं एक इलेक्ट्रिक गिटार जो मैंने काट काट के अरेंज किया है, एक एक नोट ही मुझे लग रहा है ठीक है। तो यहां पर मैंने रिदम देने के लिए कि वो थोड़ा भागती हुई हो, तो मैंने सिर्फ एक लो नोट इलेक्ट्रिक का यूं रखा है, देखिए किक स्नेयर हैट, बाकी हम बंद रखते हैं। देखिए किस तरह से रिदम जो है सेम टेम्पो पे ही थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि थोड़ी पंपिंग है, थोड़ी रनिंग शुरू हो गई। और बाकी सब चीजें हम यहां पर ऐड करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो सेक्शन आया है वो आ गया मेरा गिटार, तो यहां गिटार सुनते हैं। अब जैसे मैं ये गुनगुना रहा हूं तररा तररा, तो आपने क्या कहा, कोई फ्लूट इंस्ट्रूमेंट को बुलाया, सॉरी इंस्ट्रूमेंट लिस्ट को, या फिर आप किसी स्टूडियो में गए और वहां पर म्यूजिशियन को बुलाया जो फ्लूट प्ले करता है, और उसको साथ साथ आपने अपना बताया, कुछ उसके आइडिया जनरेट हुए, कुछ आपके मन में था आपने गुनगुना के बताया, और इस तरह से आपके सामने आउटपुट आ गई। ये मेरी फ्लूट है, देखिए। उसके बाद आ गया मेरा यहाँ पर तबला। मैंने यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ कर दिए हैं मिक्स वाले, सो दैट आप ये अब मेनली हम अरेंजमेंट वाली फाइल को ही देख रहे हैं, मिक्स फाइल को नहीं देख रहे, सो दैट आप अरेंजमेंट को अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर हम जो कोर इस लेक्चर का मकसद है वो आपको समझाना है कि जो सॉफ्ट सॉन्ग होते हैं, जो रोमांटिक वाइब वाले सॉन्ग होते हैं, या कोई सैड सॉन्ग होते हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती। यहाँ पर हमने एक बेस रखी, तो बेस सुनते हैं पहले क्या दे रही। अच्छा बस सिंपल एक नोट, द द, बस ये दो नोट मैंने यहां पर रखे हैं। और यहां पर मैंने एक रिदम सेक्शन रखा क्योंकि वहां से मेरा तबला स्टार्ट हो रहा था। वापिस से मैं ड्रम्स ऑन करता हूं, ये मेरी वही एक एक नोट वाली इलेक्ट्रिक गिटार जो लोअर नोट रखा है। यहां पर मेरा तबला स्टार्ट हुआ इसलिए मैंने यहां पर एक ड्रम सेक्शन भी साथ में ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं, जैसे ये इतनी सारी लेयर हो गई हैं, ऐसे इसकी भी बहुत सारी लेयर्स हो गई होंगी, तो मैंने इकट्ठा करके कंसोलिडेट कर दिया। आपको मालूम है कंसोलिडेट किस तरह से होता है, एक ही ट्रैक पर सारे रख के आप राइट क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, और चाहे पूरे गाने को कंसोलिडेट कर लीजिए, चाहे एक टाइम सिलेक्शन को, जितना भी आपने सिलेक्ट कर रखा हो। यहां गए, गिटार आ गई है, मेरा फ्लूट आ गई है, अब सुनते हैं यहां पर क्या बना। आप देख रहे हैं कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, कोई भी साउंड ऐसी नहीं है जो किसी को खा रही हो, या कोई भी साउंड ऐसी नहीं है जो हार्श हो, ज़्यादा सैचुरेटेड सी हो, कुछ फैमिली से आउट नहीं लगनी चाहिए, वो सब लगे कि एक ही फैमिली का पार्ट है। अब वो एक ही फैमिली का पार्ट किस तरह से लगेगा, आपके एयर ट्रेनिंग, आप इस तरह के गाने ज़्यादा सुनेंगे, आपको कानों को एक ट्रेन हो जाएगा कि इस तरह की स्नेयर, इस तरह की हैट, इस तरह की गिटार, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे मैं अंदर वाले इन द बॉक्स यूज़ करूँ सिन सॉफ्टवेयर के, चाहे मैं बाहर से लाइव रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ जेल करें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बैकअप वोकल लिए हैं, यहाँ फिलहाल ड्राई है जो मैंने आपको बताया कि हमने इफेक्ट्स ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पर काफी ऊंचे वोकल यहाँ जाकर एकदम नीचे हो गए, सुनने में यहाँ थोड़ी दिक्कत है, तो यहाँ पर हमारी मिक्सिंग का जो रोल है स्टार्ट होता है।
आपको मालूम है सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, कंप्रेशन लेंगे। यहाँ मैं ऊपर गया तो देखते हैं कुछ और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर वही क्लैप जो शुरू में थी, और यहाँ पर मैंने चार नोट्स अलग अलग करके मेक यूनिक करके, ये देखिए फ्लूट का एक सा, फिर हैशटैग टू यानी मेक यूनिक किया होगा, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, शायद कोई थ्री भी बनाया होगा लेकिन वो जचा नहीं होगा तो उसे हटा दिया। यहाँ हम वापस नीचे जाते हैं एक बार, ये बिल्कुल ड्राई है, सुनते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर साउंड्स है ही नहीं, बहुत ही कम साउंड के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पर वाइब क्रिएट हो गई है। और यही चीज़ को अब हम सुनते हैं कि मिक्स जो है सारे वो जो मिक्सर चैनल है ऑन करने के बाद वो क्या सुनता है। यहाँ थोड़ा ही यहाँ से सुनते हैं, नाइस। तो इस तरह से ही पूरा गाना अरेंज हुआ है, हर बार एक नया पीस बीच में ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक कॉर्ड प्रोग्रेशन ऐड हुई है, यहाँ पर मैंने जी शार्प मेजर पियानो, एक कोई पियानो का सिलेक्शन रखी होगी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसकी जो स्केल जो की थी वो क्या थी, शायद जी शार्प मेजर हो तो वही होगी, मैंने तभी यहाँ पर रीनेम कर रखा है जब भी वो रिकॉर्ड किया या प्ले किया, या अंदर से या चाहे बाहर से, या फिर मैंने उसे ट्यून कर दिया होगा बाद में। सो आप इसके ऊपर एग्जैक्ट मत जाइएगा क्योंकि बहुत पुराना सॉन्ग है, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट इसकी की क्या थी। आप सर्च कर सकते हैं सजनी देव नेक्स्ट लेवल यूट्यूब के ऊपर, और आप पूरे का पूरा ये सॉन्ग सुन सकते हैं जिसके अंदर आपको 90% यहाँ पर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। आप देख रहे हैं गिटार है, फ्लूट है, पियानो है, बहुत कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, और तबला है जो एकदम लाइव रिकॉर्ड हुआ था। तो आज हमने देखा किस तरह से रोमांटिक या सैड सॉन्ग की अरेंजमेंट होती है। साउंड सिलेक्शन और अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फेसबुक पर जाइए, देव नेक्स्ट लेवल सर्च कीजिए और इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, देव नेक्स्ट लेवल सर्च कीजिए, मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए, मेरे ज़्यादातर अपडेट्स वहीं पर आते हैं। मेरे ईपी का अगला सॉन्ग जो है वो भी आने वाला है, रैप सॉन्ग है, सॉफ्ट और रोमांटिक से एकदम उल्टा है, पर आपको मालूम है मैं एक मल्टी जॉनर आर्टिस्ट हूँ तो कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। जब मेरे अपने वोकल्स हों ऑब्वियसली वो रैप होंगे, सिंगिंग कम क्योंकि मैं एक रियाजी वोकलिस्ट नहीं हूँ। और ऑब्वियसली देव नेक्स्ट लेवल बीट्स, जिसको आप भूल चुके हैं, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पिछले काफ़ी महीने से इस चैनल पर बीट्स भी नहीं डाल पाया हूँ। ये देखिए लास्ट 6 महीने पहली बीट डाली थी, ये जस्ट मैंने एक रिव्यू डाला था JBL 104 मॉनिटर्स का, जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी EP बनाई थी जो 8-9 हज़ार में आ जाते हैं। इसी के ऊपर प्रोड्यूस थी, इसी के ऊपर मिक्स थी, लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने भी कोई बीट अपलोड नहीं की और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी कुछ बीट्स अपलोड करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।